हे दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस सूट के बारे में, और आपको तो पता ही हम रिसर्च करते करते कहां से कहां निकल जाते हैं। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द वीडियो। नंबर वन, वैसे तो स्पेस सूट का वेट 21 किलोग्राम्स होता है, लेकिन उसमें एक एडिशनल बैकपैक भी रहता है, और वो जो बैकपैक होता है उसके बारे में जस्ट बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि जो स्पेस सूट होता है वो दरअसल होता है 21 kgs। एंड अगर हम उसमें अब लगे बैकपैक की अगर बात करें तो उसका वेट होता है 19 kgs का, यानी कि 21 + 19 = 40 kilograms। तो टोटल जो आपका स्पेस जो सूट होता है उसका वेट हो जाता है 40 kgs का। अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम अपने आप में एक पूरी तरह से जेट जैसा होता है। जेट यानी कैसा, मतलब कि एक ऐसा चेयर रहता है, तो आपने तो शायद अब इमेज में आप देख ही रहे होंगे। तो ये पूरा ऐसा सिस्टम होता है कि आप इसमें रॉकेट जैसा भी उड़ सकते, रॉकेट जैसा नॉट एग्जैक्टली रॉकेट जैसा, बट इसमें एक लिमिटेड फ्यूल वगैरह होता है, लिमिटेड फ्यूल होता है एंड लिमिटेड ऑक्सीजन होता है। मतलब इसको पहन के आप पूरा ऐसे स्पेस भर में पूरा नहीं घूम सकते। बट इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि जब आप इसको पहनकर मून में भी लैंड करेंगे तो आपको ये 40 किलो जैसा नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा 6.4 kgs। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मून का ग्रेविटी होता है वो इतना होता है जो कि है 1.62 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एंड द सेकेंड थिंग इज, जितना भी एक बॉडी का जो वेट रहेगा उससे जस्ट 16% ही रह जाता है उसका वेट मून पर। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी का वेट अगर 100 किलोग्राम है तो वो मून पर जाकर 16 किलोग्राम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग लगा ना? तो जो 40 किलो का जो स्पेस सूट है वो वहाँ जाकर आपका कितना हो जाएगा, 6.4 kgs। एंड अगर हम बात करें इस स्पेस सूट की प्राइस के बारे में, यानी कि जो कंप्लीट पूरा सेट है ना, उसके प्राइस होता है $12 million, यानी कि US डॉलर्स में 12 मिलियन। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।